नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बैसाख मास के विषय में होने वाली है। बैसाख मास के नियम कब से शुरू हो रहे हैं, बैसाख स्नान कब से शुरू हो रहा है, बैसाख मास में कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो, साथ ही भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। बैसाख मास किसको अत्यंत प्रिय है, कौन से देवी देवता का पूजन हमें करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, स्नान और दान के अलावा और कौन कौन से कार्य है जिससे हमें अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस पूरे बैसाख मास को आप यूं ही व्यर्थ निरर्थक बिल्कुल न जाने दें। कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं बताऊंगी, इसमें से जो भी आप कर सके। देखिए, सभी के जीवन में व्यस्तता है, परेशानियां हैं, कठिनाई है। मैं नहीं कहूंगी कि जितने नियम बनाए गए हैं आप सारे के सारे नियम करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम कुछ कर लें। देखिए, यह कलयुग है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। दोस्तों, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग में इतने सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं केवल नाम के जप से। पहले के समय में तप करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, बहुत सारी तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होते थे। अब केवल नाम पुकारिए आप और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो कितना आसान है। तो आइए जान लेते हैं कि बैसाख मास कब से शुरू हो रहा है, और जो स्नान का नियम जो भी भाई बहन उठाएंगे या फिर और कोई संकल्प लेंगे वो कब से लेंगे, कब से शुरू होगा ये सारा कार्य और हमें कब से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बैसाख मास की जो प्रतिपदा तिथि है वो शुरू होगी 24 अप्रैल, दिन होगा बुधवार। लेकिन बैसाख स्नान दान का जो लोग नियम उठाना चाहते हैं, या फिर बैसाख का आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से संकल्प आप ले सकते हैं, इनमें से कोई संकल्प आप लेना चाहते हैं तो ये नियम चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है। चैत्र पूर्णिमा से ही हम नियम को प्रारंभ कर देते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा है 23 अप्रैल दिन मंगलवार को, ये बात बिल्कुल क्लियर आप लोग समझ लीजिए। और पूरे माह तक ये सारे नियम चलते हैं, सारे कार्य हम करते हैं, और फिर हम अंतिम में बैसाख पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। अब देखिए, बैसाख मास में स्नान का सबसे अधिक महत्व है। बैसाख मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस मास का एक नाम है माधव मास। माधव मास के नाम से इस मास को जाना जाता है, और जो भी इस मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, उससे भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और नियम की बात करूं तो नियम यह बताया गया है कि बैसाख मास में हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, घर में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। जिनका सौभाग्य है वो लोग तो जाकर स्नान करेंगे ही, लेकिन जिसके लिए नहीं संभव है वो पानी में गंगा जल डालकर सूर्योदय से पहले, देखिए स्नान का नियम यही है, स्नान तो हम लोग रोज ही करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जो स्नान दान का नियम होता है उसका नियम है कि सूर्योदय से पहले, उजाला होने से पहले ही आप स्नान कर लें, पूजा कर लें, माता तुलसी जी की पूजा कर लें, इसे यही नियम होता है स्नान का। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इसलिए माधव मास का अत्यंत ही महत्व। अब देखिए, आप लोग सबसे पहले स्नान करने का यदि आप संकल्प लेते हैं तो पूरे माह आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना होगा। क्योंकि मैं सबसे पहले क्लियर यहाँ पे ये बता दूं कि जितने भी कार्य मैं बताऊंगी इसमें से यदि आप कोई भी कार्य, दो कार्य, चार कार्य, पांच कार्य या एक ही कार्य संकल्प ले लेते हैं, प्रथम दिन ही चैत्र पूर्णिमा से ही संकल्प ले लेते हैं, तो बीच में आप इसे खंडित ना करें। यदि आपने संकल्प लिया है, यदि आप ऐसे ही नियम कर रहे हैं कि हमें जितना भी हमसे हो सकेगा, जितना भी बन पड़ेगा, मैं इस मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य, ज्यादा से ज्यादा धर्म मैं करूंगी या करूंगा, तब कोई बात नहीं है। आपका नियम किसी भी कारणवश खंडित भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प लेके कोई चीज तोड़ी नहीं जाती है। तो इसलिए आप संकल्प सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ इतना आसान नहीं है जितने नियम बताए गए हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूं। अब देखिए, सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना चाहिए पानी में गंगा जल डालकर, और सबसे पहले सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
बैसाख मास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूर्यदेव जी को जल देना, उनकी परिक्रमा करना, धूप दीप अर्पित करना। दूसरा कार्य माता तुलसी जी की पूजा करना। जहां भी भगवान विष्णु जी का नाम आ जाता है वहां माता तुलसी जी की पूजा ना हो, उनका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान दान का यही नियम है, बैसाख मास का यही नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करके, सूर्यदेव जी की पूजा करके, माता तुलसी जी की पूजा कर लेनी है। ये सबसे मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य मैं बताती हूँ, दान। अब दान में अगर बैसाख दान तो अनंत है, अनंत गुना दान आप कर सकते हैं, असीमित है, कोई सीमा नहीं है दान की। लेकिन हर मास का, हर दिन का, हर तिथि का क्या दान किया जाए उस समय, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। तो बैसाख मास के दान के विषय में मैं बता दूं, अन्नदान तो महादान है ही, आप सभी लोग जानते हैं। बैसाख मास में जल दान, जल दान करने से हमें हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। चाहे आप कहीं रास्ते में राहगीरों के लिए प्याऊ लगवा दें, पानी की व्यवस्था कर दें, किसी मंदिर में आप पानी का घड़ा रखवा दें, या फिर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, किसी मिट्टी के पात्र में कहीं आप खुले स्थान पर पानी रख दें, दाना रख दें, पानी की व्यवस्था करना, किसी प्यासे को आप पानी पिला दें। पानी का दान, जल का दान महादान बैसाख मास में माना गया है। दूसरी चीज, गर्मी का समय है, फलों का दान, जो पानी वाले फल होते हैं जिससे कि गर्मी नहीं लगती है, गर्मी शांत होती है, ऐसे फलों का दान, छाते का दान, जूते चप्पल का दान, ये सारे दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी शक्ति हो, आप दान करिए। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कार्य आ जाता है दान का, कुछ ना कुछ दान आप अवश्य ही करिए। तीसरी चीज, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे माह में जितना हो सके आपसे, आपको करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ पूरे बैसाख मास में यदि आप एक ही तुलसी पत्र प्रतिदिन 300 दिन आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपने प्राप्त कर ली। बैसाख मास में इतना अधिक महत्व है भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने का। तो ये कार्य कर लीजिएगा। पीपल पूजा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का स्वरूप है पीपल। और जहां भगवान विष्णु जी की पूजा की बात आती है तो पीपल पूजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रविवार का दिन छोड़कर भले ही आपने संकल्प लिया है, यदि आपने पीपल पूजा का संकल्प लिया है, तो इसमें मैं बता दूं कि रविवार को छोड़कर ही आपको पूजा करनी है, रविवार के दिन आपको पूजा नहीं करनी है, इससे आपका संकल्प नहीं टूटेगा। तो पीपल पूजा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, यदि आप इसका भी संकल्प लेना चाहते हैं तो पीपल पूजा का संकल्प ले सकते हैं। शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है, खास करके पूरे बैसाख मास में शिव जी को जल अर्पित करना, क्योंकि ये गर्मी का महीना होता है। और आपने देखा है कि शिवलिंग के ऊपर जो जलधारा टंगा होता है, जैसे मटके में या घड़े में पानी करके हम लोग टांग देते हैं और बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरता रहता है, यह बैसाख मास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जलधारा भगवान शिव जी को अर्पित करने का। किसी भी मंदिर में आप ले जाकर जलधारा वहां पे अर्पित करते हैं, वहां पर टांगते हैं और पूरे माह उसमें से पानी टपक टपक के भगवान शिव जी को शिवलिंग पे गिरता रहता है, ये सबसे पुण्यदायी कार्य है। तो ये कार्य भी कर लीजिएगा। व्रत देखिए, बैसाख मास के व्रत का जो नियम है, नियम ये बताया गया है कि बैसाख मास में हमें एक ही समय भोजन करना चाहिए, वो भी बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत अधिक तेल मसाले मिर्च इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नियम यहाँ तक है कि पूरे बैसाख मास में आप लहसुन प्याज का त्याग करिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। पूरे दिन आप जल फल फलाहार लेकर रखिए और संध्या के समय आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। पूरे माह में यदि आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो व्रत का यही नियम है। दूसरी चीज, मंत्र जप। अब बैसाख मास का मंत्र जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, जिससे सबसे ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, वो है ओम माधवाय नमः। इतना छोटा सा मंत्र लेकिन अपार शक्ति है इस मंत्र में, क्योंकि यह माधव मास है। तो ओम माधवाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन आप जप कर सकते हैं, चाहे तो आप संकल्प लेकर करें या फिर आप ऐसे ही अनगिनत जितना भी चाहे समय के हिसाब से, कि जैसे कि मैं 5 मिनट प्रतिदिन या 10 मिनट प्रतिदिन मैं करूंगा, आधे घंटे प्रतिदिन, इस प्रकार से भी मंत्र जप किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि माला से ही यदि हम मंत्र का जप करें तभी हमें फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। समय के हिसाब से भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम माधवाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो महामंत्र है ही, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए दूसरा कार्य, पूरे बैसाख मास में सूक्ष्म हवन करना। तिल जौ इत्यादि को मिक्स करके, गुड़ घी हवन सामग्री को मिक्स करके आप प्रतिदिन, जैसे अग्यारी हम लोग नवरात्रि में करते हैं, एकादशी पे करते हैं, तो प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म हवन पूरे माह यदि आप करते हैं और आहुति आप ओम माधवाय नमः इस मंत्र से दें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से दे सकते हैं, यह भी अनंत पुण्यदायी कार्य है। इसके
पुण्य की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। और मैं बता दूं, बैसाख मास के कार्य वृक्ष लगाना, छायादार फलदार वृक्ष आप लगा सकते हैं, या फिर वृक्ष लगे हुए हैं उनको सींचना, ये भी बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। देव वृक्ष की पूजा करना, जिसमें कि पीपल पूजा तो मैंने बता ही दिया है, बेल वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, तुलसी माता की पूजा हमें करनी ही है, केले के वृक्ष, ये सारे जो देव वृक्ष हैं इनको सींचना, इनको लगाना, रोपित करना, इनकी पूजा करना, सब कुछ आपको पुण्य ही पुण्य देने वाला है दोस्तों, और कोई कठिन कार्य भी नहीं है। अब आती है एक महत्वपूर्ण बात, बैसाख महात्म का श्रवण करना या फिर पाठ करना, इसका भी संकल्प लिया जाता है। पूरे बैसाख मास में आप बैसाख महात्म या तो पाठ करें या तो श्रवण करें, पंडित जी द्वारा श्रवण करें या फिर मोबाइल के द्वारा श्रवण करें, तो ये सारे कार्य भी बैसाख मास में किए जाते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज और भी क्लियर बता दूं कि जितने भी कार्य मैंने बताए, शुरू से लेकर स्नान से लेकर सूर्य पूजा से लेकर पूरे कार्य, जिसमें कि संध्या दीप दान भी शामिल है, इसे भी मैं बता दूं कि संध्या के समय खास करके किसी नदी सरोवर में दीपदान करना, ये बहुत ही उत्तम कार्य माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है या फिर कोई तालाब है, सरोवर है, तो वहां आप संध्या के समय दीपदान बैसाख मास में अवश्य ही कीजिएगा। माता तुलसी जी को दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। पीपल वृक्ष के समक्ष आप दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के समक्ष, या फिर कोई कृष्ण जी का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है आपके घर के आसपास, वहां पर आप संध्या के समय दीपदान, कहने का मतलब दीपदान का भी कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से दीपदान का भी महत्व है। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर बता दूं कि इतने सारे नियम में आवश्यक नहीं है कि पूरा का पूरा नियम ही आप उठा लें, सारा का सारा संकल्प ही आप ले लें, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसमें से कोई एक संकल्प आप ले लें, लेकिन उसे पूरा नियम, पूरे माह तक उस नियम को आपको करना है। और वैसे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से जितना भी कार्य कर सकें, जितना भी आपसे बन पड़े, आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बैसाख मास है, अनंत पुण्य फल को देने वाला यह मास है और अत्यंत प्रिय है भगवान विष्णु जी को, बहुत ही पवित्र मास है, मास में सर्वोत्तम इसे माना गया है। तो इसलिए मैं ये सारे कार्य मैंने बता दिया है। आप लोग जो भी भाई बहन संकल्प लेंगे, वो चैत्र पूर्णिमा से ही इसका संकल्प लेंगे, नियम उठाएंगे, जितना भी कार्य कर सके आप लोग कीजिएगा जरूर। देखिए, बहुत ज्यादा नियम और बंधन में मैं नहीं बांधूंगी आप लोगों को, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं है सभी के लिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि कुछ ना कुछ आप लोग जरूर कीजिएगा। तो ये सारी बातें थी, आगे और भी बातें मैं बताऊंगी बैसाख मास के बारे में। तो आप लोगों के लिए यह बैसाख मास अत्यंत ही शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय, हर हर महादेव।